सर हसीना को लास्ट कॉल जिस पीसीओ से आया था वो किसी हैंडीकैप आदमी का है सर। दरअसल वो आदमी अंधा है सर, इसलिए आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं? नहीं सर। वैसे मैंने असलम का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। ये हसीना की मौत से फायदा किसको हो सकता था? सबसे ज्यादा मीना को, क्योंकि हसीना के मरने के बाद मीना ही है जो चकला चला सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीना ने ही सारा कांड किया हो और बिल असलम पे फाड़ रही है? आणखीन एक बॉडी सापडले सर नायगाव रोडवर। अपर हाफ? नो सर, लोअर हाफ। और मिसिंग अपडेट्स चेक करो सर। हो सकता है किसी सीरियल किलर का मामला हो। शिरकत जिस तरह से ये अपने विक्टिम्स की आइडेंटिटी को छुपा रहा है, या तो ये हमसे बहुत ज्यादा डरता है या फिर हमें चैलेंज फील कर रहा है। यू आर राइट सर। मैडम, आपने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दी थी ना जी, कुछ पता चला? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। साक्षी के आई के पांव पे भी सेम बत मांगता सर। मैं और आई पहले गांव में रहते थे सर। बाबा की मौत के बाद आई ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था सर। घर के हालात इतने खराब थे, मजबूर सर साक्षी को घर घर जाके काम करना पड़ा। और फिर मुंबई में सर एक अमीर घर में से बच्चे संभालने का काम मिला। उसी बिल्डिंग के नीचे सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी कर ली सर। शादी के बाद आई पहली बार घर आने वाली थी। मैंने ये बात कुणाल को भी फोन करके बताई थी सर। कुणाल चेन्नई में था और दूसरे दिन आने वाले थे। आई ने बोला कि वो खुद आ जाएगी। मैंने आई के फोन पे कॉल किया लेकिन बंद आ रहा था। सर किसने किया सर ये? देखिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी आई की किसी से दुश्मनी या कोई अनबन वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं सर। साक्षी आपको डीएनए सैंपल देने होंगे ताकि ये बॉडी शारदा जी के ये कंफर्म कर सके। करके जरा इन पे ध्यान रखो और तड़ेगांव जाके शारदा के बारे में पूछताछ करो। सर क्या हुआ? मैंने आज ही खबर देखी टीवी पे शारदा की मौत की। यकीन नहीं होता। 3 दिन पहले जब वसई के लिए निकली थी बहुत खुश थी। विद्या जरा घरा कड़े लक्ष दे। हाँ और नक्की मैं साक्षी के पास जाकर आती। माँ बेटी फिर से एक हो गए? हाँ बस साई की कृपा है। अरे कब जाके साक्षी का चेहरा देखो, बस ऐसा लग रहा है मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही है उसने, पर अब नहीं, अब तो वो बहुत खुश है और बस हमेशा खुश रहे। सर ये दिया मैं सामान। यहाँ किसी के साथ झगड़ा या और कोई इशू? नहीं मैडम, वैसे वो घर से निकलती थी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती वो। घर की चाबी है आपके पास? इसकी चाबी है आपके पास? नहीं है सर। हाँ सर, उसकी पड़ोसी ने बताया कि वो 2 महीने से बीमार थी, काम वाम पे नहीं जा रही है सर। उसके खाने पीने के वादे हैं और उसके बाद भी उसके यहाँ से 50,000 रुपए निकले। सर हाउसमेड की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हजार, महीने का खर्चा निकालो तो सेविंग 3,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर शारदा को लास्ट कॉल नायगांव से आया था, पीसीओ फिर से वही ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप रिजर्व गवर्नमेंट शॉप सब जुड़ा हुआ है सर। परत एक बॉडी में आले पर बॉडी आधी मिली है। ये हिंदू था ही है। मैं इनके घर में काम करती थी। मैंने इनकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ की थी और सर वो
उनके पैर में जो रिंग है ना, वो भी मैं जानती हूँ। हिंदू ताई एक छोटे से गांव से ब्याह कर यहाँ पिंपरी आई थी, इसलिए तो उनके पास इतने अंगूठियाँ हैं। अब सर ये साड़ी है ना, वो भी मैं पहचानती हूँ। सर, पिंपरी पुलिस स्टेशन से PSI पंकज बोल रहा हूँ। सर, विक्टिम का नाम इंदु पाटिल है, 48 साल की है, बच्चे वगैरह नहीं। सर, पति जिंदा है, लेकिन मिसिंग कंप्लेंट वहाँ की लोकल मेड रेखा मोरे ने की थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो अच्छे दोस्त थे। पति को पुलिस स्टेशन बुलवाए? हाँ सर, बुलवा लिया। मैं सोच रहा हूँ नई कार ले लूँ, तुम लोगों को क्या लगता है? अब मैं क्या बोलूँ अप्पा, आप नेहा और अन्ना से पूछ लीजिए। नीला था, मैं इन लोगों से ही पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है अप्पा, आज वहाँ पर कोई है भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना खाकर चली जाती हूँ। तुम्हारे भाई बहन को नई कार मिल रही है, तुम मेरी ओल्ड कार ले लो। नहीं अप्पा, ये संजीव कभी मोटरसाइकिल से आगे बढ़ेगा नहीं। अप्पा, चलाएगा कौन, इसको ड्राइविंग आती नहीं और मेरा निकम्मा जीजा तो। अन्ना, आप प्लीज उनके बारे में ऐसे बात ना किया करें। श्रुति, गुगू में जबान आ गई है, संजीव का असर है ये। दिव्या, अभी गई तू? आवा। आ पापा। आज स्टीवन है। सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भले मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, लेकिन कल मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भी काम करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं दिव्या का बहुत बहुत ध्यान रखूँगा। स्टीवन, तुम्हें जो बोलना था बोल दिया, अब मैं मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ, अब जा सकते हैं। दिव्या, तुम शादी करना चाहती हो इससे? हाँ पापा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी परमिशन से। सर, सर ने श्रुति का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, हत्या वाली रात रात को 11 बजे उसने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल में कॉल किया था। सर, विलास दुबे नाम है उस आदमी का। लेकिन वो मोटर ट्रेनिंग वालों को रात के 11 बजे फोन क्यों करेगी? शाम को आइएगा। सर, क्या बात है? वो क्या है कि ड्राइविंग सीखनी है आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग आप सिर्फ महिलाओं को ही देते हो, वो भी रात के 11 बजे? सर, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। श्रुति शेट्टी की आखिरी बार बात तुमसे हुई थी उसके मर्डर से पहले रात के 11 बजे, क्या बात हुई थी? अरे सर, वो कंफर्म करने के लिए कि वो कल क्लास में आ रही है कि नहीं। ये रात के 11 बजे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं क्या? और कितने लोग हैं जिनकी क्लासेस रात के 11 बजे लेते हो? देखिए सर, हम आपको अपने कस्टमर के सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, अगर उनमें से एक भी कोई हमारे खिलाफ एक भी अपशब्द बोलेगा ना, तो आपका डंडा और हमारा सर। और रही बात श्रुति जी की, तो हाँ, हम उनकी क्लास लेते थे रात के 11 बजे, पर उनके कारण वो दिन में घबरा जाती थी ट्रैफिक देख के। हर सवाल का जवाब तैयार करके रखा है पहले से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने रेप करके? हाँ, बात कर रहे हैं, हम क्या रेपिस्ट लग रहे हैं क्या? देखने और सुनने में कई दरिंदे आम इंसान की तरह ही लगते हैं, हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। तो अब तूने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। मैंने पहले क्लियर कर दिया था ना, अगर पापा रिजेक्ट करेंगे तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम्हारे कहने पे गए थे ना मिलने, अब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो ना। फिर वही बात, स्टीवन, मैं मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, तो प्लीज भूल जाओ मुझे। सर, मैं भागा नहीं था सर,
मैं तो हर महीने शिरडी जाता हूँ, दो दिन से सर मैं वहीं था। लोकल पुलिस पिछले तीन दिनों से ढूंढी थी तुझे शिरडी में, ना तू मिला ना तेरा फोन, मार्केट के देखकर मंदिर तक कहीं नहीं था तू। पहले तो आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझे यहाँ पे उठा के लाने का, मैंने क्या किया है बताएं? क्या किया तूने? अपनी बीवी का रेप करवाया, फिर मरवाया उसे, और वैसे नाटक कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। श्रुति का रेप, मर्डर, ऐसे कैसे? जितनी जल्दी ये नाटक बंद करेगा ना उतना अच्छा है तेरे लिए। राजन चेट्टी ने तेरा रेस्टोरेंट अपनी बेटी श्रुति के नाम करवा दिया था, यही बात खटक रही थी ना तुझे, इसलिए मरवाया ना तूने श्रुति को। सर ये क्या बोल रहे सर? श्रुति खुद मेरे नाम पे रेस्टोरेंट करना चाहती थी। सिर्फ दो महीने और रेस्टोरेंट तुम्हारा। ऐसी अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारा नहीं हो रहा है इस बात की बहुत खुशी है तुम्हें? नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हें वापस मिल रहा है इस बात से खुश हूँ। पता है तुम्हें, तुम्हारे अन्ना और तुम्हारे अप्पा इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं तुम्हें। ऐसे मत बोलो संजीव, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। मजबूरी की शादी और मजबूरी की शादी में ढेर सारा प्यार, ये हर महीने शिरडी जाना ना सोची समझी साजिश थी तेरी, ताकि जब तू बाहर हो उस वक्त तू किसी को सुपारी दे सके श्रुति कुमार ने की, किसी को शक भी ना हो तुझ पे। सर मैं दूंगा श्रुति की सुपारी। वेट कर, जिसको सुपारी दी ना तूने उसको भी बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। चिंटू अंदर इतना काम पड़ा हुआ है, तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर जाके क्या करूंगा मैडम, साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मेरे साथ चल अंदर, मैं बात करती हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।